subscribe and click the bell icon for television updates. वैम्पिश है पूरा. जिस हिसाब से इस कॉस्ट्यूम को बनाया गया है, सारी चीज़ें की गई हैं, बहुत ही बुराई को मद्दे नज़र रखते हुए तब ये बना है. वही सेम फैब्रिक सेट हुए हैं, कुछ ऐसा ग्लॉसी नहीं है, कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं है कि उफ अरे ये तू इस बार में अवार्ड में, बिल्कुल अवार्ड वाली फीलिंग नहीं देता है कि दैट पीपल शुड गेट मेस्मराइज विद द कॉस्ट्यूम. इंडीड द लुक इज दैट पीपल शुड गेट मेस्मराइज इन दैट ऑस्टेक मोमेंट के वाओ, कि बुराई होने के बाद भी एंड बुरा लुक होने के बाद भी इट लुक सो ब्यूटीफुल. तो कॉस्ट्यूम उस हिसाब से ही बना है, जूट यूज़ किया गया है इसके अंदर. और ये आप नीचे देखें तो ये थोड़े कैसे बोलूँ, ये ऐसा है जैसे हमारे घरों में वो होता है ना कत्तर यूज़ करते हैं कपड़ा को काट काट देते बचा हुआ, तो वैसा ही यूज़ किया गया. बिकॉज़ अगर आप देखें ये क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज़ जब आप पत्थरों में चलते हैं तो आपके नीचे से कपड़े फटते हैं, तो वो टेक्सचर ही उसको वहाँ पे दिया गया है. बहुत मेहनत लगी है इस शो के हर एक कैरेक्टर को सेट करने के लिए, स्पेशली दिस आई से तिमनासा का कैरेक्टर और तिमनासा का लुक, तिमनासा के कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग. आर्मर भी बहुत डिटेलिंग वाला दिया गया है. इफ़ यू सी द क्राउन, माई शील्ड, बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी दी गई है लेकिन बहुत ही प्यारी और बहुत हटके दी गई है. हैवी बहुत है, पूरे कॉस्ट्यूम का वज़न 50 से 55 किलो का है. सिर्फ मेरे पीछे वो केप नहीं लगी है मेरी, अभी सिर्फ डमी लगाई हुई है जिसका अकेली का वज़न कुछ 8 to 9 केजीज़ है, तो बहुत हैवी हो जाता है. कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसे मिले हैं कि अगर बुराइयों में या फिर डरावनी भी अगर कोई विलेन है तो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, तो ये कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि फिर भी आप खूबसूरत ही लग रही हैं, आप बस छोड़ दीजिए. तो हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट. आप कितना पसंद कर रही हैं? मैं बहुत पसंद कर रही हूँ क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा प्ले करने के लिए मिला है जहाँ पे मेरी आँखों को ऐसे स्केच किया गया है. ऐसी लिपस्टिक, मैं डार्क शेड्स कभी नहीं लगा पाती लिपस्टिक्स के, मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन पहली बार मुझे एक कलर पसंद आया है कि मैं उसको, ऐसा होता है कि किसी दिन अगर ऑफ होता है तो आई मिस दिस लिपस्टिक कि कहाँ है और ये मेकअप कहाँ है. आई एम सो यूज टू इट एंड नाउ एंड सो इन लव विद इट, आई लव इट दिस एंटायर लुक. बिल्कुल, जिस तरीके का कैरेक्टर है उसी तरीके के चैलेंजेस भी हैं. बिकॉज बहुत पावरफुल इविल दिखाया गया है इस बार, गुड वर्सेस इविल जो हमारी थीम है शो की. उस हिसाब से इस बार शो की मज़ेदार बात यह है कि हम खड़े हुए लड़ाई नहीं करते कि हाथ से अभी एक रोशनी निकलेगी तो सामने वाला भस्म हो जाएगा या हवा में ही बूम हो जाएगा. इस बार हमने एक्शन रखा है. आई थिंक बहुत ही रेयर शोज़ ऐसे होंगे इंडियन टेलीविजन में जिनमें इतना एक्शन रखा गया होगा कि हमें अगर किसी को मारना भी होता है तो तिमनासा को जंप लेके फिर मारना होता है. तो हम हार्नेस में 24 घंटे रहते ही रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, और हमारे हाथों में तीर और भाले तो हैं ही हैं. फाइट्स बहुत होती हैं स्वॉर्ड फाइटिंग उसके अंदर, बिकॉज हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं हैं स्वॉर्ड फाइट करने के या किसी भी किस्म की फाइट करने के, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को करते. कभी हड्डी पे लगता है, कभी कहीं लगता है, पैरों में लगता है. मेरे राइट नी में भी प्रॉब्लम आई है बिकॉज मैं लड़ते हुए गिर गई थी मुँह के बल, अच्छा मेरा फेस बचा. तो बहुत तकलीफ़ होती है, चैलेंजिंग है. जैसा रोल है जितना अच्छा दिखता है कि जितना मज़ेदार दिखता है या जितना दिखने वाले लोगों को, उससे ही ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए परफॉर्म करना है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है. अपने फैंस और व्यूअर्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना प्यार आज तक किया है, जितना करते आए हैं, उतना ही और करिएगा. बालवीर रिटर्न्स देखना मत भूलिएगा प्लीज़, 10 सितंबर से रात को 8 बजे. डोंट फॉरगेट टू वॉच प्लीज़.
शावर सम लव, जैसे बारिश हो रही है ना धरती पे, वैसे मेरे ऊपर प्यार की बारिश चाहिए मुझे और बाल भी रिटर्न्स के ऊपर. थैंक यू.